हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि एमएससी का टॉपिक है, एमएससी मैथमेटिक्स का। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो है लॉरेंट सीरीज़। इससे रिलेटेड एक वीडियो और एक शॉर्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एक में आपने डेफिनेशन देखी है और दूसरा हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लॉरेंट सीरीज़ का। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसमें आपको लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंड करनी है फॉर डिफरेंट रीजन्स। ये डिफरेंट रीजन्स चार दिए गए हैं, इन रीजन्स के लिए आपको लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना है इस गिवन फंक्शन के लिए। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस रीजन के लिए मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 के लिए लॉरेंट सीरीज़ निकाली है। तो अभी हम निकालेंगे सेकेंड के लिए, विच इज़ मॉड जेड ग्रेटर देन 3। सो जब हम बात कर रहे हैं मॉड जेड ग्रेटर देन 3, तब हम देखेंगे कि ये है किस टाइप का। सो ये आपका इस तरह से है। देखिए, यहाँ पर आपने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा तो आपने देखा कि दो टाइप्स के एंगल्स, दो टाइप्स के सर्कल्स हो रहे हैं। एक है मॉड जेड इक्वल टू 1 एंड दूसरा मॉड जेड इक्वल टू 3। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो रीजन आ रहा है मॉड जेड ग्रेटर देन ले लीजिए, लेस देन ले लीजिए, बट अगर हम इक्वल की बात करें, मॉड जेड इक्वल टू 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर ओरिजिन। तो अगर हम 1 के लिए ड्रॉ करें तो ये अगर हमारा सेंटर है ओरिजिन, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड जेड इक्वल टू 1 रेडियस का ये सर्कल, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। लेस देन 1 की बात होगी तो इनर पोर्शन आएगा, ग्रेटर देन 1 की बात होगी तो आउटसाइड आएगा सर्कल का। सिंपल सा है। और अगर हम सेकेंड सर्कल की बात करें, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 3, तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल जिसका रेडियस 3 है और सेंटर ओरिजिन है। तो ये हमने 3 रेडियस का सर्कल बना दिया, ठीक है, 3 यूनिट्स का। तो ये एक सर्कल क्या है, दिस इज मॉड जेड इज इक्वल्स टू 3। अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये आउटसाइड वाला पोर्शन आ जाएगा, ओके, आउटसाइड द सर्कल। एंड अगर लेस देन 3 है मॉड जेड, तो इनसाइड द सर्कल। इस तरह से ये रीजन्स बताए गए हैं, ठीक है। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो ये फंक्शन को हम ऑलरेडी लिख चुके थे इस फॉर्म में। देखिए, 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3, इस फॉर्म में हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब हमें क्या करना है, इस रीजन के लिए निकालना है, फॉर द रीजन, यहाँ लिख लेते हैं फॉर z मॉड z ग्रेटर देन 3 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट है हमारा 1 अपॉन z प्लस 1, इसका एक्सपेंशन करेंगे। और किस तरह से करेंगे, अभी हमने पढ़ा था लॉरेंट एक्सपेंशन किसका, 1 प्लस x टू द पावर -1 का। इसका क्या होता है, दिस इज 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4, इस तरह से ऑल्टरनेट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और x की पावर इंक्रीज हो रही है। और ये किसके लिए है, दिस इज मॉड जेड लेस देन 1 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले ध्यान से याद रखिए। तो इधर पर ये कंडीशन क्या है, मॉड जेड लेस देन 1, मतलब यहाँ जो आपकी वैल्यू होती है दैट इज़ लेस देन 1, तब ये एक्सपेंशन होता है। तो जब हमें ये चाहिए, तो ये क्या है, अगर हम z को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 3 अपॉन मॉड z लेस देन 1। दैट मीन्स कि आपको 3 अपॉन z टाइप का बनाना है यहाँ पर, और फिर हमें ये एक्सपेंशन लगाना है, तब हमारा आएगा ये रीजन, ओके। सो ये तो 1 के लिए है। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, जो ये है मॉड z ग्रेटर देन 3, इसका मतलब कि ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। और बाहर वाला पोर्शन के लिए क्या होगा, 1 के लिए भी आपका होगा मॉड z ग्रेटर देन 1। तो अभी हम ले रहे हैं z कॉमन यहाँ पे, इसमें z प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन z, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर -1। और अब हम लगाएंगे ये वाला एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर 1 अपॉन z क्यूब। और कंडीशन क्या होगी, मॉड x लेस देन 1, दैट मीन्स कि यहाँ हो जाएगा मॉड 1 अपॉन z इज़ लेस देन 1। इससे क्या आ गया, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, ओके। सो ये हमें मिल गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कि ये जो आपका सर्कल है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, इसके आउटसाइड का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ओके,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड जेड ग्रेटर देन 1, और इसके लिए हमारा ये जो एक्सपेंशन है 1 अपॉन जेड प्लस 1 का वो ये है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे किसके लिए, 1 अपॉन जेड प्लस 3। सेकेंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें क्या ले लेना है, 1 अपॉन जेड प्लस 3, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेना चाहेंगे, जो हमारा रीजन है मॉड जेड ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या है, 3 अपॉन मॉड जेड इज़ लेस देन 1। सो हमें उस टाइप का यहाँ बनाना है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से जेड कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन जेड, तो ये आ गया आपका एक्स 3 अपॉन जेड, और यही होता है लेस देन 1। सो अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर ये वाला एक्सपेंशन, सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3 क्यूब अपॉन जेड क्यूब प्लस सो ऑन, और यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी, दैट मींस कि 3 अपॉन मॉड जेड इज़ लेस देन 1। इससे क्या आ गया हमारे पास, मॉड जेड ग्रेटर देन 3, जो हमें चाहिए था वो आ गया। मॉड जेड ग्रेटर देन 3 मतलब क्या है, ये जो सर्कल है 3 रेडियस का, उसके आउटसाइड का पोर्शन, और आप देखिए दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, जब हमने मॉड जेड ग्रेटर देन 1 किया तो ये पोर्शन आया, और जब हमने मॉड जेड ग्रेटर देन 3 किया तो ये वाला। ठीक है, तो जब हम दोनों चीज़ों को एक साथ इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसको सेकेंड ले लीजिए, इसको थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो हमने एक्सपेंशन किया है, इन दोनों को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन 3, वो कॉमन है रीजन पूरे में, दोनों में, इसमें भी और इस एक्सपेंशन में भी। तो अब हम रखेंगे ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। ठीक है, सो 1 में रखें तो ये एफ जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हम 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे जो कि ये है, लेकिन पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड 3 माइनस 1 अपॉन जेड 4 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, और फिर है माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ हम इसको लिखेंगे माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके जेड का मल्टीप्लाई हो गया तो जेड क्यूब प्लस सो ऑन। सो अब आपको जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर देना है ये वाला, तो और इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये दोनों 1 अपॉन जेड, ये भी 1 अपॉन जेड है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके एंड ये बचेगा आपका कितना, 3 माइनस 1 2, और 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1 अपॉन जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये 3 3 ज़ा 9, और 9 में से आप माइनस करेंगे 1 तो 8 आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन जेड क्यूब। इसी तरह से आगे चेक करते जाएंगे, सो ये हमें मिल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल पार्ट है, एनालिटिक पार्ट यहाँ नहीं है। प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, जहाँ पे z डिनोमिनेटर में होता है, मीन्स z की नेगेटिव पावर होती है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर में आएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज का ये प्रिंसिपल पार्ट है, और यहाँ पर एनालिटिक पार्ट नहीं है। एनालिटिक पार्ट वो होता है जिसमें जेड की पॉजिटिव पावर रहती है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एनालिटिक पार्ट है वो क्या है, ज़ीरो। ओके, सो दिस इज़ द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन फॉर द रीजन मॉड जेड ग्रेटर देन 3।